भोजन का अधिकार अधिनियम के तहत 28 नवंबर 2001 को बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकार को बीपीएल परिवारों की पहचान प्रक्रिया पूरी करने, कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिए थे, किंतु यह कार्यक्रम धरातल पर खरा नहीं उतरा। कारण स्वरूप इस क्षेत्र के दलित आदिवासी, अति विशिष्ट जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के सैकड़ों परिवार प्रभावित हैं। करीब 15 वर्षों से मैं और मेरा समुदाय बीपीएल के अभाव में विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये बांस काट कर थी तो 24-25 रुपए चावल खाती, न राशन पति नहीं मिला, कार्ड साठ है या नहीं कुछ हो। कहल थीन से पढ़ल लिखल वाला सब बेमानी कर दे वाला थी, कहल थीन तो इनके शुरू से है या नखब बीपीएल तो कैसे बीपीएल बनता, नया सिरे बनवाबे तो पैसा लगता बनवाए में। बीपीएल नहीं बन रहा है, हाँ कह रहे हैं लोग के तो कहते हैं कि जे हो गया सरकार कर दिया, ना हमरा राशन मिल रहा है, ना तेल मिल रहा है, कुछ नहीं, ना जगह ना है, ना जमीन नहीं है, ना बैल ना गाय कोई चीज है, ये नहीं है, बकरियों नहीं है। बाहर कमाने जाते हैं, बाहर जाते हैं। सुनते हैं यहाँ कुछ दिन पहले स्कूल में बीपीएल नंबर के लिए एप्लीकेशन सब आवेदन लिखने के लिए कोई साहब लोग आए थे। हम लोग को पता नहीं चला, कोई सूचना करता तब तो उधर से और आदमी को मिलता है, ये क्या बोलते हैं सूचना, तो वो लोग हम लोग के यहाँ बताइबे नहीं करते हैं और उधर से उधर चल जाते हैं। दर्ज करवाने के लिए चाह रहे हैं कि मेरा स्कूल में बच्चा सब पढ़ता है, चलते पूछते हैं वहाँ बीपीएल है कि नहीं है, नहीं एडमिशन करेंगे। आप लोग कोशिश किए थे, ये सब बनाए थे, नहीं आया। हम लोग के तो 2 मरतबे चढ़ाए थे स्कूल में जाके, तो कहाँ मिला, बोले मुखिया के तो बोला जो सूची में देखेंगे, आएगा हो आया होगा तो देंगे देख के। हम लोग के कॉलोनी में घर दुरा के बहुत नतीजा है, गरीब हैं, रेंगा के एडमिशन कराने जाते हैं तो कहाँ होइबे नहीं करता है, बीपीएल है ये नहीं है, और साइकिल भी मिलना था तो नहीं दिया, कहा जो है ये नहीं है अथी बीपीएल तो कैसे होगा, बनवाना है क्या करना है, रहेगा तब ना बच्चा पढ़ाएंगे, तो घर पर रहेगा, हम लोग गरीब हैं तो कहाँ से उतना पढ़ाने पाएंगे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि इस क्षेत्र में जीवन बसर करने वाले ज़रूरतमंद परिवारों को बीपीएल का लाभ मिले, अतः आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप हमारे प्रखंड चैनपुर के प्रखंड विकास पद अधिकारी श्री विपिन कुमार दुबे, जिसका संपर्क नंबर 7739081001 पर कॉल कर दबाव बनाइए। मैं महिमा भेंगरा झारखंड से सामुदायिक संवाददाता इंडिया अनहर्ट के लिए।